दक्षिण भारत का खूबसूरत शहर पांडिचेरी। समुद्र किनारे वसे इस शहर के विच श्री अरविंदो आश्रम एक अहम जगह है। यह है श्री अरविंदो ऑटो केयर सेंटर। इत्थे जाके एक तो असी पुछगिछ की कि इत्थे की कुछ देखने वाला है। तो इत्थों एक दूर एक जगह बनी हुई है ओरोविले। असी इस ऑफिस विच्चों ओरोविले जाने की टिकट ली। इन्होंने सानू पर परसन 150 रुपया चार्ज किया टिकट का। ये नाल कहा कि उत्थे जाने वास्ते घट्टो घट 10 पैसेंजर ताई ट्रैवलर जाता है। इन्हों का इस आश्रम की ही फैसिलिटी टैंपू ट्रैवलर विच बैठ के असी ओरोविले वालों चाले पा दिते। रस्ते विच तुहानू दसदा ओरोविले की पूरी स्टोरी। शहर बहुत ही खूबसूरत है। यह जिहड़ा पांडिचेरी है इहदे अद्धे भाग दे विच शहर दे अद्धे भाग दे विच अरविंदो आश्रम बनिया होया है ते अद्धे भाग दे विच बाकी शहर वसिया होया है। देखो रस्ता ओरोविले का कितना खूबसूरत है। शहर तो बार बार है ते दोनों पासे जंगल है। ये मेन सिटी तो 14 किलोमीटर बाहर है जी जिहड़ा ओरोविले है। हुण असीं पहुँच गए ओरोविले। राइट साइड साढ़े पार्किंग है। टैंपू ट्रैवलर पार्क हो जाता है तो अगे आप चलते हैं अंदर जा के देखते हैं। ये बहुत रौनक लगिया हुई ने इत्थे। काफ़ी दूर दूर तो टूरिस्ट इत्थे आते हैं। फॉरन तो खास करके बहुत ज़्यादा लोग इत्थे आते हैं। इत्थे आके मेन मेडिटेशन सेंटर है अंदर मेडिटेशन करते हैं। एक जिहड़ा ओरोविले हैगा ये एक मंदिर है एक जगह है जिहदा नाम हैगा मैट्री मंदिर। ये श्री अरविंदो जी ने इत्थे बनवाया सीगा। देखो रस्ते दे दोने पासे शुरू तो लैके उहदे हिस्टरी दीयां फोटोआं लगियां होईयां ने। 1968 दे विच इस मंदिर की जिहड़ी नींह रखी गई सीगी इहदी नींह दे विच बहुत सारे कंट्रियां तो मिट्टी लिया के पाई गई सीगी सांझीवालता का संदेश देने वास्ते। आ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखिया हुई ने कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैगा एक खास तरीके का इत्थे रहण दी जगह है। ये आदा मेन एंट्रेंस हैगी है इत्थों पास लेना पैंदा। पास लैके ही अगे जान दिंदे ने। थोड़ा जिहा अंदर इहदे म्यूजियम भी बनया होया है उस मंदिर बारे दस्या होया है ते श्री अरविंदो जी बारे हिस्टरी काफ़ी लिखी हुई है इहदे विच। श्री अरविंदो जी 15 अगस्त 1872 कलकत्ते इन्हों का जन्म होया सीगा। ते ए बाद च पढ़न लई इंग्लैंड चले गए सी। इंग्लैंड इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ाई करी। ICS दे एग्जाम दे विच भी बैठे पर उहदे विच इन्होंने सिविल सर्विसिज दे एग्जाम जिहड़ा हैगा उहदे विच क्लीयर नहीं होए ते वापस इंडिया आ गए सी 1893 दे विच। ते बरोदा दे विच महाराजा कॉलेज दे विच प्रोफेसर लगे रहे। 1901 विच इन्हां दा विआह होया ते विआह तो बाद इह कलकत्ते शिफ्ट कर गए सी 1906 दे विच। उत्ते काफ़ी देर प्रिंसीपल रहे एक स्कूल दे। 1910 दे विच पांडिचेरी शिफ्ट कीते सी। आ मैट्री मंदिर का मॉडल पिया एक पिलरां दे उत्ते खड़ा होया है। ये ना सेंटर दे विच सूरज की रोशनी पैंदी है। सूरज की रोशनी पैंदी है एक सेंटर दे विच एक वड्डा जिदा हीरे वर्गा पत्थर पिया होया है उहदे ते जदों रोशनी पैंदी है उहदा प्रकाश चारे पासे फैलदा है ते जिथे ये
अंदर पूजा करते ने, मेडिटेशन करते ने, उहदे लई खास परमिशन लैनी पैंदी है जिहड़ी कि सानूं अज नहीं मिली। ये कहिंदे कि जदों नैक्सट टाइम आओगे फिर तुहानूं असीं इहदे अंदर जाण देवांगे। बाकी बारों बारों आपां देख के चलते हैं इहनूं। पास लै के असी इस रस्ते तो दी जा रहे हैं हुण मैटरी मंदिर वल। जाण वेले तुर के जाना पैंदा, जे कोई अपाहज जां अंगहीन होवे तां उहदे लई बैटरी वाली गड्डी इत्थे हैगी है। वापसी बसां दे थ्रू करवाउंदे ने, इह वापसी वीरे शटल मिल जाती है। जे किसी ने तुर के आना होवे उहदी अपनी मर्जी। सड़क के दोने पासे आ कुछ खास इन्हां ने पत्थरां दीआं चीज़ां जिहियां बना के रखियां होईआं ने अट्रैक्शन वास्ते। सारा जंगल है, यह बहुत पुराने पुराने दरख्त ने इहदे च लगे हुए। माहौल बहुत ही बहुत ज़्यादा वधिया माहौल है, शांति है, एक अलग तरह का ऑरा है। सामने बोर्ड का दरख्त दिख रहा है, ये कई साल पुराना, कई सौ साल पुराना है। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, इहदियां जड़ां थले लग के अलग तो तने बने हुए हैं। और सामने एक सिटिंग एरिया बना रखे, बांस की छन पाई हुई है, अंदर ये सिटिंग बनी हुई है, अट्रैक्शन वास्ते बनाया है। रस्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत दिल लगता इत्थे आके। आपां हुण पहुँच गए हैं एंड पॉइंट ते। सामने जिहड़ी सुनहरे रंग की ग्लोब दिख रही है, इसे नूं मैत्री मंदिर कहिंदे ने। एक लास्ट पॉइंट है जिथों अगे जाना मनाही है, खास परमिशन लै के पासिस लै के फिर जिहड़ी मैडिटेशन की विधि अंदर की जाती है, वो अलग तरह का ही कहिंदे ने नज़ारा, वो नैक्सट टाइम देखांगे जाके। वो सामने है जी मैत्री मंदिर। लोकी फोटोआं खिंच रहे ने। देखो थोड़ा क्लोज तो करके दिखाउणा तुहानू, इत्थे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये कई हजारां एकड़ दे विच इह जगह बनी हुई है जिहड़ी ऑरो विले है। देखो बहुत पुराने पुराने दरख्त ने, इत्थे पूरा जंगल बनिया होया है। ये सारे पेड़ बहुत खूबसूरत ने, शांति बहुत है। जिहड़ा ये ऑरो विले जगह बनी हुई है, ये तमिलनाडु स्टेट च पै जांदी है। इत्थों हुण शटल लैके असीं वापस जा रहे हैं, ते बाजार विच दी हुंदे होए असी वापस जिथों असी अपना टैंपो ट्रैवलर लिया सी उत्थे वापस हो उसे ऑफिस च छड्ड दिंदा है। उहदे नेड़े एक चौंक है, चौंक पार करके लैफ्ट साइड दे उत्ते इहनां दी आश्रम दी ही एक किचन बनी हुई है, कॉमन किचन जिवें कह लो लंगर, बट ओह पेड है। 50 रुपए पर मील लैंदे ने, पर बहुत ही सोहणा है आ इहनां दी किचन बनी हुई है। साफ सुथरा ते हाइजेनिक काफ़ी वधिया लंगर बनया हुआ, टेबलों पर बैठ के छकते हैं लंगर। असी भी लिया, दो दिन का पास लिया सी। इत्थे लंगर छकना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हैगा। जे तुसी पौंडीचेरी आओ तो आश्रम विच जे स्टे करते हो तो इत्थे दो दिन लंगर जरूर छको। आश्रम के बाहर ही असी एक नारियल वाला खड़ा सी, नारियल पीते। इत्थे दे नारियल भी अलग तरह के ने, पानी काफ़ी मिठा हुंदा उन्हां। किचन तो बाहर निकल के जदों आपां सड़क के राइट साइड नूं चलते हैं तो रोड के नाल नाल एक बाज़ार बनया होया है।
ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੀਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਮੈਰੀਨਾ ਬੀਚ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਬੀਚ, ਈਡਨ ਬੀਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖ।